हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेहाउंड के बारे में। फ्रेंड्स, ग्रेहाउंड का ओरिजिन तो यूरोप से है और इन्हें हंटिंग डॉग के लिए ब्रीड किया गया था। ये रैबिट, फॉक्स, डियर जैसे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड के सबसे नंबर वन फास्टेस्ट डॉग ब्रीड है। फ्रेंड्स, आप इन्हें डॉग्स की दुनिया का फॉर्मूला वन भी मान सकते हो। ये ऑलमोस्ट एवरेजली 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग सकता है। फ्रेंड्स, इतनी स्पीड से आज तक मैंने बाइक भी नहीं चलाई यार। फ्रेंड्स, कई कंट्रियों में इनकी रेस लगा के उन पर बैट्स भी लगाए जाते हैं और कई कंट्रियों में ऐसा करना बिल्कुल इनलीगल काम है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं इसलिए लोग एज अ पेट इन्हें लेके आते हैं? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये बहुत ज़्यादा स्वीट और हम्बल डॉग होते हैं इसलिए लोग इन्हें लाना पसंद करते हैं एज अ पेट। फ्रेंड्स, इनका नेचर इतना स्वीट होता है और हम्बल होता है कि अपने फैमिली मेम्बर और ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप इन्हें घर से बाहर लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बट जैसे ही आप इन्हें घर में लेके आएंगे ये बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप। सो गाइज, इसलिए ये मीडियम साइज़ अपार्टमेंट और फ्लैट में आसानी से रह सकते हैं क्योंकि ये थोड़े लेज़ी हो जाते हैं जब भी ये घर पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप गार्डन या कहीं और इन्हें वॉक के लिए लेके जाएँ तो आप हमेशा ये याद रखना कि जिसे आप लीज में ले जा रहे हो वो डॉग्स की दुनिया का फॉर्मूला वन है। तो अगर आपसे कहीं लीज छूट जाती है तो बिल्कुल आसानी से ये 1-2 किलोमीटर तक ऐसे ही भागते निकल जाएंगे किसी स्क्विरल या रैबिट के पीछे। फ्रेंड्स, आप इन्हें ह्यूमन किड के साथ आसानी से रख सकते हैं, बट इन्हें शुरुआत से ही जब ये पपी होते हैं तो इन्हें सोशलाइज़ कराना बिल्कुल ज़रूरी है। ये हर डॉग को सोशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। गाइज, इन्हें सबसे पहले 1885 में एज अ डॉग ब्रीड रिकॉग्नाइज किया गया था। फ्रेंड्स, इनका शॉर्ट कट होता है जिससे आप इन्हें आसानी से मेंटेन रख सकते हो, बट इन्हें जब शेडिंग सीजन होता है तब इन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, इनके कोट कलर के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे कोट कलर में आते हैं, ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड फोन, फॉन एंड वाइट, ब्लू कलर एंड टैन, एंड टैन एंड वाइट कलर। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हर एक डॉग को ज़रूरी होता है तो इस डॉग को भी बिल्कुल ज़रूरत है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज तो हर एक डॉग को उनकी हेल्थ के लिए और उनके नेचर को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ डॉग्स को सोशलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी वजह से आपका डॉग कम एग्रेसिव होगा और उसका नेचर भी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक पग डॉग को भी अगर सोशलाइज नहीं कराओगे तो बहुत ज़्यादा बाइट कर सकता है लोगों को, इसलिए हर डॉग को एक्सरसाइज के साथ सोशलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, एक मेल ग्रेहाउंड का वज़न 27 से 40 किलोग्राम तक होता है और उसकी हाइट 28 से 30 इंचेस तक की होती है, और एक फीमेल ग्रेहाउंड का वेट 27 to 34 किलोग्राम तक होता है और उसकी हाइट 27 to 28 इंचेस तक की होती है, और उनका लाइफ स्पैन 10 से 15 साल तक का होता है। अगर आप उनके हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखते हो तो 15 ईयर्स के बाद भी अच्छे से रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट कर देना, और कोई भी सुझाव या सवाल हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज कीप